गोरखपुर रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी से परेशान रहे पुलिस व सुरक्षा एजेंसियों को राहत मिली है। अपने शिक्षक को परेशान करने वाले को सबक सिखाने के लिए एक युवक ने मोबाइल से धमकी दी थी। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि IGRS पर कुछ दिनों पहले एक सूचना अपलोड की गई थी। शिकायत सूचना देने वाले के नाम पर खंड शिक्षा अधिकारी मुसाफिर सिंह पटेल का नाम दर्ज किया गया था। बताया गया था कि 26 अक्टूबर को 5 बमों से गोरखपुर रेलवे स्टेशन को उड़ा दिया जाएगा। इस सूचना के मुख्यमंत्री के पोर्टल पर पहुंचते ही हड़कंप मच गया। पुलिस ने सबसे पहले BEO मुसाफिर सिंह पटेल को पूछताछ में बुलाया गया। उन्होंने बताया कि उनके नाम का इस्तेमाल कर पिछले 6 माह से फालतू शिकायतें की जा रही हैं। मुसाफिर पटेल का बयान लेने के बाद पुलिस और परेशान हो गई। इसी बीच अरविंद यादव नामक एक युवक का नाम सामने आया। पुलिस ने देवरिया के रहने वाले इस युवक से जब पूछताछ किया तो सारा मामला सामने आ गया। पुलिस के अनुसार युवक अरविंद के शिक्षक ब्रिज किशोर राय देवरिया के भाटपा रानी के लखना गांव के रहने वाले हैं। वर्तमान में वो गोरखपुर के सरदार नगर के बालखुद प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते हैं। शिक्षक ने अरविंद को दत्तक पुत्र की तरह पालन पोषण किया है। युवक उनके साथ ही रहता है। पुलिस के अनुसार शिक्षक ब्रिज किशोर राय को BEO मुसाफिर सिंह पटेल परेशान करते थे। युवक के अनुसार BEO की प्रताड़ना के से उसके पिता काफ़ी परेशान रहते थे, इसलिए BEO को सबक सिखाने के लिए उसने ये शिकायत की थी। फिलहाल पुलिस ने अरविंद यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ASP वासीयो कैंट रोहन प्रमोद बोत्रे ने बताया। वीरेंद्र हम कुछ नहीं किए, सब काम ही किया। अनाथ बच्चा है, चलाना भी नहीं जानता। IGRS पे गए कुछ दिनों से एक व्यक्ति लगातार रेलवे और अन्य स्थानों को बम से उड़ाने की धमकियां उसमें दे रहा है। उसको साइबर सेल और थाना कैंट की पुलिस ने उसको ट्रेस किया और उनके ऊपर मुकदमा भी पंजीकृत किया गया है। एक खंड शिक्षा अधिकारी के नाम से ये एक एप्लीकेशन डलवाते थे। खंड शिक्षा अधिकारी और एक प्रिंसिपल का झगड़ा था कुछ, और उसी प्रिंसिपल का एक जो घर पे लड़का काम करता था उसी ने एप्लीकेशन डलवाता था ताकि खंड शिक्षा अधिकारी को फंसा सके किसी इस तरीके के काम में। और परंतु हमारे साइबर सेल ने थाना कैंट के पुलिस ने उसको ट्रैक कर लिया गया। एक तो हमारे पास थाने में शिकायत कर सकते हैं या फिर साइबर सेल में शिकायत कर सकते हैं। जहाँ भी शिकायत होगी उसका मॉनिटरिंग साइबर सेल करती है। मुकदमा लिखा गया है 964/19, उसमें मुकदमा है। और सो चीटिंग की धारा है, फोर्जरी की धारा है, और IT रिस्पेक्टिव IT की धारा है, वो भी लगाई दी गई है।